दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद अचानक से हुआ वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में चौंकाने वाला बदलाव। भारत की इस जीत से भारतीय टीम पहुंची सीधा सेमीफाइनल में, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा तगड़ा झटका। और वहीं इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीम हुई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर। तो दोस्तों, भारत की इस जीत के बाद क्या है वर्ल्ड कप 2023 में पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण? अब यहां से कौन सी चार टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और कौन सी छह टीम होगी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर, बताएंगे सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप 2023 को जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल वर्ल्ड कप 2023 में एक और महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जिसमें श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। रोहित शर्मा मैच के दूसरे ही बॉल पर आउट हो गए, जिसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने 190 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों तक पहुंचा दिया और श्रीलंका को 359 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य दिया, जिसमें भारत के लिए सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 92 रन बनाए। और वहीं श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने 80-80 रनों की पारी खेली, जबकि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रही और मात्र 5 रनों पर ही श्रीलंका ने अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया। और दोस्तों, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के कारण श्रीलंका इस मुकाबला को बुरी तरह से हार गई। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और भारतीय टीम की इस जीत से अब पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के नए पॉइंट टेबल को। लेकिन आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम जाएगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड की टीम है। दोस्तों, जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको मात्र एक मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड की टीम को 5 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर मात्र 2 अंक है। और दोस्तों, इंग्लैंड की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट -1.652 का है, जो कि काफी ज्यादा घटिया है। और आपको बता दें कि लगातार 5 मुकाबला हारने के कारण इंग्लैंड की टीम लगभग वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। और वहीं दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर बांग्लादेश की टीम है। दोस्तों, साकिब उल हसन की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें बांग्लादेश की टीम को मात्र एक मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश को 6 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते बांग्लादेश के पॉइंट टेबल पर मात्र 2 अंक है। और दोस्तों, बांग्लादेश का नेट रन रेट -1.338 का है, जो कि काफी ज्यादा घटिया है। और दोस्तों, लगातार 5 मुकाबला हारने के कारण बांग्लादेश की टीम भी अब सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, जबकि वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर नीदरलैंड की टीम है। दोस्तों, नीदरलैंड की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको भी 4 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि नीदरलैंड को 2 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पॉइंट टेबल पर 4 अंक है। और दोस्तों, नीदरलैंड की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट -1.277 का है, जो कि काफी ज्यादा घटिया है। और लगातार 4 मुकाबला हारने के कारण नीदरलैंड की टीम भी अब वर्ल्ड कप 2023 से लगभग बाहर हो चुकी है, जबकि वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर श्रीलंका की टीम है। दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें श्रीलंका की टीम को 5 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है और वहीं श्रीलंका को 2 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते श्रीलंका के पॉइंट टेबल पर 4 अंक है। और दोस्तों, श्रीलंका की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट काफी ज्यादा घटिया है और लगातार 5 मुकाबला हारने के कारण श्रीलंका पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है होगा। और वहीं वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबला खेला है, जिसमें अफगानिस्तान को 3 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि अफगानिस्तान को 3 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते अफगानिस्तान के पॉइंट टेबल पर 6 अंक है। और दोस्तों, अफगानिस्तान की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट -0.718 का है, जो कि काफी ज्यादा बेकार है। और अफगानिस्तान को यहाँ से प्लेऑफ में जाना है तो इनके बचे हुए 3 में से 3 मुकाबला को जीतना होगा और अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा। जबकि दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें पाकिस्तान को 3 मुकाबला में शानदार जीत मिली है और वह इनको 4 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पॉइंट टेबल पर 6 अंक है। और दोस्तों, पाकिस्तान की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट -0.024 का है, जो कि काफी ज्यादा घटिया नेट रन रेट है। और वहीं लगातार 4 मुकाबला हारने के कारण पाकिस्तान की टीम लगभग वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान को यहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो इनको भी यहां से कम 3 मुकाबला को जीतना होगा। और वहीं दोस्तों, वर्ल्ड कप
कप 2023 के पोस्टल में चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। दोस्तों, केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को 4 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जबकि इनको 3 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते न्यूजीलैंड के पोस्टल पर 8 अंक है और न्यूजीलैंड का नेट रन +0.484 का है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसके चलते अब न्यूजीलैंड की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बचे हुए 2 में से 2 मुकाबला को जीतना होगा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के पोस्टल में तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दोस्तों, पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबला खेला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 4 मुकाबला में शानदार जीत मिली है और वह इनको 2 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पोस्टल पर 8 अंक है और वही ऑस्ट्रेलिया का नेट रन +0.970 का है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 3 में से 3 मुकाबला को जीतना होगा और अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा। जबकि दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के पोस्टल में दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें इनको 1 मुकाबला में करारी हार का सामना करना पड़ा है और वहीं साउथ अफ्रीका को 6 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पोस्टल पर 12 अंक है। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट की बात करें तो इनका नेट रन रेट +2.290 का है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका अब लगभग वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और दोस्तों, साउथ अफ्रीका को यहाँ से बस 1 मुकाबला को जीतना होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और वहीं वर्ल्ड कप 2023 के पोस्टल में पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर हमारी भारतीय टीम है। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में 7 मुकाबला खेला है, जिसमें हमारी भारतीय टीम को 7 मुकाबला में शानदार जीत मिली है, जिसके चलते इनके पोस्टल पर 14 अंक है। और दोस्तों, भारतीय टीम का नेट रन रेट काफी ज्यादा बढ़िया है और लगातार 7 मुकाबला जीतने के कारण भारतीय टीम अब पूरी तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए मात्र 1 मुकाबला को जीतना होगा, उसके बाद भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड कप 2023 में पोस्टल का पूरा समीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 को कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।